जब गुम्बज नहीं है तो माँ का स्थापना आप कैसे कीजिएगा? गुम्बज के ध्वज के साथ माँ। आप देख रहे हैं साथ हो, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त शक्तिपीठ श्री बड़ी पटन देवी में स्थित है। नवरात्र की धूम है, कलश स्थापना के साथ ही यहाँ पर तमाम तरह की हलचलें शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की जब भीड़ देखिएगा तो लंबी कतारें हैं, माता रानी को दर्शन करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार थे। एक नए भवन जहाँ माता रानी को स्थापित करना है, चूंकि समय दिया हुआ था 12 अक्टूबर तक का कि हर हाल में माता रानी को स्थापित कर दिया जाएगा, हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। क्या नए भवन में है या पुराने भवन में है, हम इस विषय पर चर्चा चलाएंगे यहाँ के पंडित मुख्य आचार्य विजय शंकर गिरी से, तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे। कलश स्थापन विधान हो गई और एक ही चीज़ अब बाकी है, दर्शनार्थी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। रात को 10 बजे आज रात की का आरती होगा, उसके बाद निश्चिंत हो जाएंगे हम लोग। उसके बाद कल से प्रारंभ 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, भगवती का माने कार्यक्रम चलेगा, लेकिन 5 बजे से आरती प्रातः शुरुआत होगी, जो 5:30 तक चलेगी। उसके बाद दर्शनार्थी लोग दर्शन पूजा करेंगे, आरती का आनंद उठाएंगे। बस ये नई भवन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि 12 तारीख तक हर हालत में स्थापित हो जाएगी माता रानी, अभी तक नहीं हुआ। देखिए प्रयत्न तो लोग कर रहा था, ये मैंने मैंने मुख्यमंत्री जी का पति नहीं था, ये लोग प्रयत्न कर रहा था, समय दिए हुए था, लेकिन संजोग था, कुछ तो काम हो चुका था। लेकिन बात यह कि हम बहुत जगह इसके बारे में बातचीत किए, अच्छे अच्छे विद्वान लोगों से संपर्क किया, तो एक ही राय दिए लोग कि माँ का जब गुम्बज नहीं है तो माँ का स्थापना आप कैसे कीजिएगा? गुम्बज के ध्वज के साथ माँ का वहाँ जाना अति उत्तम रहेगा, इसलिए मैं ढील दिया और थोड़ा सा हम नॉर्मल भी हो गए। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हम उनको ये बात को समझाएंगे। डीएम साहब भी आए थे, मुआयना करके भी गए थे। जी आए थे, लेकिन प्रयत्न तो करा कि 12 तारीख को प्रेशर दे रहे थे, लेकिन बात है कि हर बार में कोई काम हो और उसके बाद गलत हो, इसका शुभ कार्य के लिए आप करवा रहे हैं, उसका परिणाम अगर विपरीत हो तो उसके लिए तो ठीक नहीं है। तो हम इसके बारे में सब पता लगाए, बातचीत करने के बाद अच्छे विद्वान लोगों से जब चर्चा किया तो कहा कि देखिए माँ का गुम्बद जब बन जाएगा तो साथ साथ माँ की स्थापना कीजिए तो अति उत्तम रहेगा। इस बार जो भी श्रद्धालु है तो पुराने रोल में ही माता रानी का दर्शन दर्शन कर रहे हैं अगले साल से। जी अगले साल तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं चैत नवरात्रा में से पहले कंप्लीट हो जाए और माँ चैत नवरात्रा में वहीं भी स्थापित हो जाए। ऐसे चांदी का उनका सिंहासन बन चुका है, सब कुछ हो गया, यहाँ भी काम तेजी में चल रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं है माता रानी के लिए। और यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मांगते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भीड़ के दृश्य देखिएगा तो तमाम तरह के एक लंबी कतारें हैं, चाहे मंदिर के प्रांगण हो चाहे फिर बाहरी परिसर में देखिएगा तो हजारों की संख्या में दर्शनार्थी एक दूसरे के साथ में यहाँ जय माता दी के गुणगान लोग कर रहे हैं। चलिए चलते उस भीड़ में, देखते हैं किसके लिए मन्नत मानने के लिए लोग आए। दुर्गेश देवी दर्शन करने के लिए आई है, कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत बहुत आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए। मेरा आयुषी कुमारी, हाँ सब परिवार। आदर्श कुमार, घंटा हो गया है, एक घंटा हो गया है। श्री बड़ी पटन देवी के महंत पंडित विजय शंकर गिरी जी से तमाम चीज़ों से बातचीत हुई है, लेकिन हाँ आप तमाम श्रद्धालुओं से धैर्य बना के रखिए। जब ये नवरात्र नहीं, लेकिन हाँ
ये कह सकते हैं कि जो कार्य जो चल रही है नई भवन का, वो उसमें आपको माता रानी का दर्शन अवश्य करेंगे। आप धैर्य बना के रखिए और श्रद्धालुओं के लिए एक उत्साहित रहेगा। SSITU आप देखते रहिए। जय माता की।